हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइंस क्विक जर्नी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो ये देखिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही हेल्दी एंड मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये है बनाना पैनकेक की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है जो चाहिए। हमें चाहिए दो बनाना, पका हुआ बनाना हमें चाहिए इस तरह से। देखिए, पका हुआ बनाने से काफ़ी अच्छा पैनकेक बनेगा दोस्तों। हमें चाहिए एक अंडा, एग और एक कप मिल्क, दूध। और हमें चाहिए मैदा, और हमें चाहिए ये पिसी हुई शक्कर। इसे मैंने मिक्सर में जो है ग्राइंड कर लिया है दोस्तों। और ये है बेकिंग पाउडर। और हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 4 to 5 टेबलस्पून, और एक किशमिश गार्निश के लिए। और हमें चाहिए थोड़ा सा वाटर, पानी। कब यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। उसका पहला प्रोसेस ये है। ये देखिए, एक बड़े से बॉल में हम सबसे पहले बनाना को पिल ऑफ करके हम इसे सर्कल शेप में चॉप करेंगे। ये देखिए, मैंने पूरा पिल ऑफ कर लिया है स्किन। अब मैं इसे सर्कल शेप में कट कर रही हूँ। और अब हम इसे एक हैंड बीटर से इसको मैश करके हम एक बॉल में, दूसरे बॉल में रख लेंगे, या कोई भी बर्तन में आप रख लीजिए। इसी तरह से हमें इसे मैश करके रख लेना है। यह अब हो चुका है। अब मैं इसे एक छोटे से बॉल में रख लूँगी, और बाकी का जो आगे का प्रोसेस है इसी बड़े बॉल में हम प्रोसेस आगे करेंगे। ये देखिए, हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। आप इसके अलावा आप प्लेन बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्टेड प्लेन बटर। मैं यूज़ करी कुकिंग ऑयल। और ये एक अंडा अब इसमें डाल देंगे। योग के साथ हमें यूज़ करना है फ्रेंड्स। अगर आप एग नहीं खाते हो तो इसके बदले आप इसके बदले प्लेन कर्ड यूज़ कर लीजिएगा। दही 3 to 4 टेबल स्पून। और ये अब मैं डालूँगी इसमें 5 to 6 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर, शुगर। हमें ज़्यादा शक्कर यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम इसे सर्व करने वाले हनी के साथ, एंड हनी तो स्वीट ऑलरेडी होता ही है। इसीलिए अब अपने हिसाब से शुगर जो है ऐड कीजिएगा। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसका स्मूथ एक बैटर बनने तक हम इसे फेटेंगे अराउंड 5 to 7 मिनट्स, एंड उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, आप इसी तरह से फेटना। आप इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट उस तरह से आपका पैनकेक नहीं बनेगा फ्लफी जिस तरह से आप हाथों से फेटेंगे। और आपके हाथों की कसरत भी हो जाएगी फ्रेंड्स, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, इसी तरह से हमें इसका स्मूथ होने तक हमें इसे फेटना है अच्छी तरह से, ताकि तीनों चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, एंड हमारा जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से फेटना है आपको। और ये जो पैनकेक है ना, काफ़ी डिलीशियस होता है, एंड बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। आप अपने घर में ज़रूर बनाकर खाइए इस पैनकेक को, और ये आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये देखिए, अब ये स्मूथ हो चुका है। ये देखिए, मैंने एकदम स्पीड में 2 से 3 मिनट और फेटा। और ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। और ये मैं ले रही हूँ मैदा, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, उतना ही मैंने यूज़ किया है। हमें इसका थिक बैटर बनाना है, थिन नहीं करना है, लिक्विडी नहीं करना है। ये देखिए, अब इसे एक बार मिलाकर हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे मिक्स कर लेंगे। साइड का हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मिला देंगे ताकि वो स्टिक ना हो। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके 2 से 3 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से फेटेंगे फिर से इस तरह से। मैं आपको बताऊंगी कितना थिक आपको बैटर बनाना है। फिर से मैंने ऐड किया मिल्क। ये प्रोसेस को हम
दो से तीन बार रिपीट करेंगे। ये देखिए दो से थ्री टू टू थ्री टेबल स्पून आपको मिल्क ऐड करते जाना है। बस अब इसमें हम डाल देंगे मैश किया हुआ बनाना। दैट्स इट। अब ये देखिए हमारा जो बैटर है वो बन के रेडी है। टोटल टाइम इसमें आपको लगेगा 10 to 15 minutes ये बैटर रेडी करने को। बस अच्छी तरह जो है बनाना इसमें मिक्स हो जाना चाहिए, उतना ही हमें अच्छे से फेंट लेना है फिर से इस तरह से। ये देखिए अब हो चुका है, इतना ही हमें बैटर का थिकनेस चाहिए। तो अब इसे हम रेस्ट करने देंगे 15 to 20 minutes, तब तक आप बाकी के काम कर सकते हैं। अब मैं इसे क्लीन कर लूँगी और अब मैं आपको आगे का बताती हूँ प्रोसेस कैसे आपको पैनकेक बनाना है। ये देखिए बैटर जो है एकदम रेडी है पैनकेक बनने के लिए। अब पैन गर्म हो चुका है, इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे। पहले हम फ्लेम को जो है हाई रखेंगे, उसके बाद बनाते वक्त इसे लो कर देंगे। ये देखिए गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बैटर। अब हम एक गोल चम्मच से बैटर जो है डाल देंगे, ये देखिए, और बीचों बीच थोड़ा सा और डाल देंगे ताकि हमारा पैनकेक जो एकदम फ्लफी बने। और आपको इसे बनाना है लो फ्लेम में ही, अदरवाइज़ आपका पैनकेक जो है नीचे से जल जाएगा। एंड आफ्टर टू थ्री सेकेंड के बाद आपको ऊपर से थोड़ा सा ऑयल छिड़क देना है। ये देखिए अब हम इसे जो है पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि जो दूसरा साइड है वो अच्छे से पक जाए। और इसे बनने में लगेंगे हमें 10 से 12 मिनट पूरा प्रॉपर कुक होने में, ताकि कच्चापन ना रहे पैनकेक में, नहीं तो आप खा नहीं पाओगे। देखिए इस तरह से आपको बीचों बीच थोड़ा सा प्रेस करना है। ये देखिए अब पलट दिया है मैंने, आप देख सकते हो कितना फ्लॉपी बना है। ये काफ़ी हेल्दी एंड मज़ेदार ब्रेकफास्ट है जैसे ही मैंने आपको कहा था। तो आप प्लीज़ इसे बनाकर और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अब इसे हम थोड़ी देर में जो है निकाल लेंगे। ये पूरी तरह से कुक हो चुका है। ये देखिए आपको इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, इतना ही रखना है। बस अब हम इसे थोड़ी देर में निकाल लेंगे। बस इस तरह से उलट पलट करके जो है हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक और आपको बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए ये मैं छोटा सा मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल छिड़क देंगे 2 से 3 सेकेंड के बाद। इसी तरह से आपको सारा का सारा जो है पैनकेक बना लेना है। मेरे जो बैटर बनाया था मैंने, इसमें मेरे 6 पैनकेक बन रहे हैं और ये 2 लोगों के लिए इनफ है ब्रेकफास्ट में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है इसमें। अब दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से पका लेंगे। अब देख सकते हो, ये देखिए कितने साइड से आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से जो है फ्लफी हो चुका है। और आपको मैं अब पलट के दिखाऊँगी दूसरे साइड का। ये देखिए आप साइड का देख सकते हो कितने अच्छे से ये फ्लफी बना है। बस हमें इसे कुछ देर और पकाना है, पकने देना है इसे अच्छी तरह से। इसी तरह से हमें थोड़े थोड़े देर में इसे पलटना है। दैट्स इट। और ये अब हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और मैं आपको अब बताऊँगी जितने मैंने पैनकेक बनाए हैं सब कुछ आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे 6 पैनकेक बने हैं और इसमें मैंने जो बनाना है वो चॉप करके डाला है सर्कल शेप में एंड किशमिश। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हनी। हनी के बिना पैनकेक जो है वो अधूरा है। पैनकेक के साथ इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से। देखा कितना ईजी है बनाना पैनकेक।
और ये काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। इसका बैटर भी आप घर पे ही बना सकते हैं, बिकॉज़ आपको मार्केट में इसका रेडीमेड जो बैटर होता है वो मिल जाएगा, बट घर का बनाया हुआ में काफ़ी फ़र्क होता है रेडीमेड पैकेट से। ये देखिए मैं इसमें बहुत सारा हनी ऐड कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है पैनकेक में हनी डालकर खाना। आप बच्चों को और भी इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, इसमें आप चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हो, फ्रूट्स में आप चेरी स्ट्रॉबेरी भी कट करके आप दे सकते हो अपने बच्चों को। ये देखिए कितना फ्लफी बना है। सो फ्रेंड्स, आप इसे ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म सर्व कीजिए एंड इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।